धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान आज सीतापुर जेल से बाहर आ गए। आपको बता दें कि 27 महीनों से जेल में बंद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद कल ही रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान की रिहाई के लिए सीतापुर कारागार प्रशासन को चिट्ठी भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद कल ही रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान की रिहाई के लिए सीतापुर कारागार प्रशासन को पत्र भेज दिया था। दूसरी ओर आजम खान की रिहाई के दौरान सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम लोग समाजवादी हैं। मुलायम सिंह यादव ने हमें सिखाया है कि हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है, तो 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब वो अयोध्या नहीं आएंगे। राज ठाकरे ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख का ये दौरा उस वक्त रद्द हुआ है जब सामने आया है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है। हाल ही में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया था। उन्होंने चेताते हुए कहा था कि जब तक वो उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेंगे, तब तक उन्हें उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम भी रखने नहीं दिया जाएगा। आगामी 5 जून को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा प्रस्तावित थी। औरिया के गांधी थाना पार्क में महिला अधिशासी अभियंता अधिकारी ने नगर पंचायत चेयरमैन और सभासदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर अध्यक्ष और सभासदों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसको लेकर अब नगर पंचायत महिला अधिशासी अधिकारी ने पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि सारे आरोप झूठे हैं। बोर्ड मीटिंग के दौरान जब सभासद से दोबारा नालियों की सफाई के बारे में पूछा गया तो अपने दरोगा पति की धमकी देते हुए एक सभासद को जाति सूचक गाली दी गई, साथ ही उसे उठवाने और लाश तक न मिलने की धमकी दी गई। अलीगढ़ के दुब्बे पड़ाव पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और कार चालक को मौके से गिरफ्तार किया है। अपने 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सीएम सिटी की सफाई और यहां की व्यवस्था से खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं जिला प्रशासन और नगर निगम को 10 में से 10 नंबर देता हूं। इतना ही नहीं, एम्स बीआरडी मेडिकल कॉलेज और आयुष विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी को किसी तरह की कोई खास कमी नजर नहीं आई। निरीक्षण के दौरान उन्हें यहां सब कुछ ठीक मिला। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने अल्पसंख्यक निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दानिश आजाद ने विभागीय अधिकारियों को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों में चल रही परीक्षाओं के बारे में जानकारी ली और मदरसा परीक्षा नियंत्रण कक्ष का जायजा लिया। वहीं सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग भी देखी। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद के शिवनगर कॉलोनी में लुटेरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से चेन लूटने की कोशिश की। इस दौरान खींचतान में महिला का गला कट गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज के अतरसुईया इलाके में सड़क पर खड़ी बाइक को चोर चुराकर फरार हो गए। वहीं बाइक चोरी का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में 15 दिन में 10 गुना हीट स्ट्रोक के मरीज जो है वो बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में हर रोज 150 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। लोगों को बुखार, सरदर्द, थकान, कमजोरी और उल्टी जैसी समस्या है। भदोही में पुलिस ने शराब तस्करी गैंग के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 366 पेटी अवैध शराब, एक ट्रक और एक कार बरामद की है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। देवरिया के मुरकटवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक आर्मी की तैयारी करने ग्राउंड में गया था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हल्द्वानी में प्रशासन और परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान परिवहन विभाग ने पहाड़ जाने वाली टैक्सी वाहनों की चेकिंग की, जहां फिटनेस और रेड लिस्ट मिलने पर 3 गाड़ियों को सीज किया गया था। साथ ही 16 वाहनों से चालानी कार्रवाई की गई। सहारनपुर में पुलिस ने स्मार्ट तस्करी करने वाले 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से
144 ग्राम स्मैक समेत 12,000 नगद बरामद किए हैं। जब्त स्मैक की कीमत लगभग 23 लाख रुपए आंकी गई है। लखीमपुर खीरी में हर्ष फायरिंग करते एक महिला और युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगरा में अवैध तमंचे से फायर करते युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो खंडोली थाना के सराय का बताया जा रहा है। बांदा में दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सहारनपुर में युवती से छेड़खानी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संघ और बीजेपी नेता ने कोतवाली देवबंद में धरना दिया। आपको बता दें कि युवती से छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसे लेकर भाजपाइयों ने युवती के परिवार के साथ मिलकर कोतवाली में हंगामा किया। गोंडा में दवा व्यवसायी की अपहरण के बाद फिरौती की रकम न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने दवा विक्रेता की हत्या कर दी। अपहरणकर्ताओं ने 4 लाख की फिरौती मांगी थी। दवा विक्रेता का शव शुक्रवार को एक गांव में गड्ढे में मिला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपियों के कब्जे से बाइक और हथियार बरामद हुए। अलीगढ़ के रोडवेज बस अड्डे पर बस से उतर रहे यात्री की जेब से एक चोर ने 30,000 रुपए पार कर दिए। यात्री ने उसे मौके पर पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। यात्री ने आरोपी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। बिजनौर में बीजेपी नेता द्वारा कोतवाल को थाने में धमकी देने के मामले में एसपी ने कपिल चौधरी समेत 20 से 25 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि थाने में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाल कृष्ण मुरारी को धमकाया था, जिसे लेकर यह कार्रवाई हुई है। कानपुर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में दो तस्कर घायल हो गए। आरोपी गौशाला से गाय चोरी करके ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अंबेडकर नगर में अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को ग्रामीण से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल श्रीराम के घूसखोरी से तंग आकर ग्रामीणों ने एंटी करप्शन की टीम से शिकायत की थी। नोएडा में तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर खड़ी पिकअप से टकरा गई। हादसे में बुलेरो चालक और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में घर के बाहर बैठे युवक पर मोहल्ले के ही युवक ने तलवार से वार कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की शिकायत पुलिस से की गई। मिर्जापुर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पीलीभीत के सदर थाना क्षेत्र में मोहल्ला लोहा मंडी के रहने वाले 42 साल के सराफा व्यापारी पवन गोयल की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक गिर गए। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आगरा के खंडोली थाना क्षेत्र में एक युवक का तमंचे से फायरिंग करता हुआ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादी के वक्त का ये बताया जा रहा है। महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है और आगरा की ये खबर हम आपको बता रहे हैं।